हेलो एवरीवन, मैं स्वामी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का होने वाला है रोटेशनल डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 और इसमें चालू था एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला एप्लीकेशन हो गया था, अब बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की। और दूसरे एप्लीकेशन में हमें देखना है वेल ऑफ डेथ, यानी मौत के कुएं के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम मौत के कुएं को निकाल लेते हैं। ये बच्चों मान लेते हैं मौत का कुआ है, ठीक है, और इसका रेडियस समझ लेते हैं आर। और यहाँ पर गाड़ी है, कोई मान लीजिए बस है या फिर कार है, ऐसा मान के चलते हैं। और यहाँ पर इसका मास समझ लेते हैं, तो नीचे के साइड में क्या लगेगा, तो नीचे के साइड में लगेगा mg और इस साइड में लगेगा आपका नॉर्मल, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट यहाँ पर है तो इस साइड में लगेगा नॉर्मल। और ये जो गाड़ी है ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बाहर के साइड में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, वो है mv² / r। अच्छा, ये नीचे जा रहा है mg, तो इसको अपोज करने के लिए ऊपर के साइड में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स है अपोजिट साइड में लगेगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बैलेंस करेगा आपके mg को। और दूसरी चीज है जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये किसको बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो ये जो नॉर्मल है यही यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा mv² / r। अब हम पता है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है म्यू एन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर डाल देंगे म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, ये हमने डाल दिया। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, यानी 2 को 1 से डिवाइड करना है। तो क्या मिलेगा मुझे, म्यू एन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय mv² / r। m से m मर जाएगा, r चले जाएगा ऊपर, तो यहां पर क्या मिलेगा, और n से m भी मर जाएगा, म्यू इज इक्वल टू rg अपॉन v² ये फॉर्मूला मुझे मिलता है। तो अगर मैं म्यू को इधर डाल दू और v² को इधर डाल दू, तो मुझे क्या फॉर्मूला कहला, v² इज इक्वल टू rg अपॉन म्यू। अच्छा, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा अंडर रूट rg बाय म्यू। तो ये जो वेलोसिटी बताएगी, ये वेलोसिटी किसकी बताएगी, कि मुझे मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए ताकि ये जो गाड़ी है ये नीचे ना गिरे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ऐसे गोल गोल घूमती रहे, उसको जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैलेंस हो, तो ये मिनिमम वेलोसिटी वही दर्शाएगी। इससे कम वेलोसिटी रही तो आपकी गाड़ी नीचे गिरेगी, नीचे नीचे आएगी, और उससे ज्यादा रहेगी तो गाड़ी ऊपर ऊपर जाएगी। तो हमें जब मौत का कुआं देखते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी गाड़ी नीचे गिरनी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक मिनिमम वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। उस मिनिमम वेलोसिटी से अगर आपकी गाड़ी चलती है तो वो गाड़ी गिरेगी नहीं, वहीं पर गोल गोल घूमते रहेगी। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम लेते हैं एक कुआ, इस कुएं का समझ लेते हैं रेडियस है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर रेडियस है, और इसका कोएफिशिएंट है म्यू समझ लीजिए 0.2, और यहां पर आपकी गाड़ी घूम रही है, तो मिनिमम कितने वेलोसिटी इस गाड़ी की चाहिए ताकि वो गाड़ी नीचे ना गिरे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, वी इज इक्वल टू अंडर रूट rg अपॉन म्यू। तो r कितना है, तो r है 10 मीटर, और g कितना है, g भी हम ले लेते हैं 10, और म्यू कितना है, तो म्यू है 0.2, तो ये कितना आएगा 100 / 2, यानी 100 / 0.2 यानी 1000 / 2 यानी √500 आ गया आंसर।
तो इसी को मोटा मोटा हम कैसे लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 22.4 मीटर पर सेकंड। और ये रफली कितना होता है, ये रफली होता है 75 किलोमीटर पर आवर, यानी मिनिमम आपको 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए तभी आप यहां पर नीचे नहीं गिरेंगे, आपकी गाड़ी कंटिन्यूसली गोल गोल इसके वॉल ऑफ डेथ में चक्कर काटते रहेगी। तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।